कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में बंगाल में बवाल जारी है। ममता बनर्जी सरकार के विरोध में छात्रों के नवन्ना अभियान प्रोटेस्ट पर पुलिस के बल प्रयोग के विरोध में आज बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद है। इस दौरान बीजेपी के एक स्थानीय नेता पर भी हमला किया गया। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक अज्ञात शख्स बीजेपी के स्थानीय नेता प्रियांगू पांडे की कार पर फायरिंग कर रहा है। पहले आप वीडियो देखिए। हमलावर ने पांडे की कार पर 6 राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में कार का शीशा टूटकर गोली ड्राइवर को लगती है। प्रियांगू भी इस हमले में घायल हो जाते हैं। इस हमले में कुल 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया है। देखिए, इस हमले के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपना बयान दिया है कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेता के वाहन पर फायरिंग की, वाहन के ड्राइवर को गोली लगी है। इस तरह ममता बनर्जी और टीएमसी बीजेपी को सड़कों से हटाने की कोशिश कर रही है। बंद सफल रहा और लोगों ने इसका दिल से स्वागत भी किया है। पुलिस और टीएमसी का टॉक्सिक कॉकटेल अब बीजेपी को डरा नहीं पाएगा। बीजेपी बंगाल के नेता अर्जुन सिंह ने इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए जो कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। प्रियंकु पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया, फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला है, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। प्रियांगू पांडे हमारी पार्टी के नेता है, वो गाड़ी से आ रहे थे, जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया है, गाड़ी के नहीं रुकने पर गोली भी चलाई गई है, ड्राइवर को माथे पर गोली लगी है, गोली लगने के बाद वो गिर गया है, कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं, ये एसीपी की मौजूदगी में हुआ है, ये सोची समझी रणनीति के तहत भी हुआ है। फिलहाल के लिए कोलकाता रेप प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर आज बंगाल बंद रहा और बीजेपी के नेताओं ने भी खूब प्रदर्शन किया, लेकिन उसी दौरान बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और साथ ही साथ बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला भी किया गया, फायरिंग की गई, जिसके वीडियोस हमने आपको दिखाए। आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं भी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.